अक्सर विवादों में रहने वाले जेएनयू में मणिपुर के एक छात्र जे आर फिलेमोन का शव बरामद हुआ है। छात्र का शव जेएनयू हॉस्टल में उसके कमरे में मिला। फिलेमोन पश्चिम एशिया सब्जेक्ट पर पीएचडी कर रहा था और मणिपुर के सेनापति जिले का रहने वाला था। फिलेमोन ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के कमरा नंबर 171 में रह रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो गायब था। जब हॉस्टल के दूसरे छात्रों को उसके कमरे से बदबू आनी शुरू हुई तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और जबरन दरवाजे को खोला गया, जिसके बाद सब हैरान रह गए। वहां फिलेमोन की लाश पड़ी थी। अब पुलिस छात्र की मौत के कारणों का पता लगाने की जांच कर रही है। इससे पहले 15 अक्टूबर को जेएनयू के एक छात्र नजीब के भी गायब होने से आए दिन यूनिवर्सिटी में हंगामा हो रहा है। नाराज छात्रों ने जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार, रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर को बंधक बना लिया था। फिलहाल छात्र का शव मिलने से जेएनयू पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।